एवरीवन, दिस इज राहुल सर। वेलकम टू राहुल फ्रॉम इन कॉमर्स क्लासेस। आज हम टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है कॉमर्स 5, दैट इज मार्केटिंग। हम ये सब्जेक्ट को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको इसको हम लोग एलोबरेट करना स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है और ये फिफ्थ सेमेस्टर में हम लोग पूरा पूरा मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद व्हाट इज द कंसेप्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग है क्या? 11th स्टैंडर्ड से हम ये कंसेप्ट सुनते आ रहे हैं एंड ईयर बाय ईयर हम ये कंसेप्ट को देखा है कैसे ये एलोबरेट हो रहा है। तो फाइनली जब हम लोग डिग्री में है फाइनल ईयर, तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली पूरा एलोबरेटेड कंसेप्ट है क्या। चलो लेट्स स्टार्ट विद नोइंग अबाउट द कंसेप्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग अगर सिंपल वे में अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो सारे एक्टिविटीज है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, जिससे हम लोग प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्ट को हम लोग मूव कर रहे हैं टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जब वो सारे एक्टिविटीज जो एक कंपनी अंडरटेक करती है कि जिससे जब एक गुड्स प्रोड्यूस होता है एक कंपनी में, वहां से उसे शिफ्ट करना है क्योंकि जहां पे डिमांड क्रिएट हुआ है वहां पे उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, तो इसके अंदर वो सारे एक्टिविटीज आ जाते हैं। प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, रिटेलिंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वो हर एक छोटे छोटे एक्टिविटीज जिससे एक प्रोडक्ट को मूव करने में हमको हेल्प हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग कंसिडर करते हैं मार्केटिंग के अंदर। आज जो इतना एक एडवांस मार्केट जो चल रहा है, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट जो चल रहा है, इसमें अगर हम देखेंगे तो मार्केटिंग का बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस आ गया है। मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा करके फोकस करता है क्योंकि कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बनाती नहीं है। आज की जो इतना कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है उसमें कंपनी एक और चीज पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता क्या है? अब कस्टमर सेटिस्फेक्शन आज के वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनीज इतने सारी हो गई है, प्रोडक्ट के वेरियंट इतने सारे हैं कि एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस तरीके से प्रोडक्ट को डिजाइन करना कि जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले, उसको यूटिलिटी की तरह उनके प्रोडक्ट में इतने यूटिलिटी हम लोग को इनबिल्ड करना है कि जिससे प्रोडक्ट से जब यूज करेगा कोई भी कस्टमर तो वो सेटिस्फाई हो जाए। वेल, ये जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग, इसके बारे में और भी हमें जानना है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग फिलहाल मॉड्यूल्स के बारे में जानेंगे एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न के ऊपर भी हम लोग एक बार फोकस करेंगे कि किस तरीके से इसे हम लोग ने डिजाइन किया है, कैसे हम लोग को आगे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कैसे इसे हम लोग को समझ के एग्जाम्स में अपियर होना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेबस से। सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल से। टोटल हमारे पास 4 मॉड्यूल है जिसे हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग देखेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, जो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लिया है अबाउट मार्केटिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केटिंग? ऑल एक्टिविटीज व्हिच इज डन बाय अ कंपनी टू मूव द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, टू क्रिएट डिमांड एंड मेनी मोर एक्टिविटीज और टू क्रिएट मेनी मोर थिंग्स इन द मार्केट, द कंपनी इंडल्ज इन मार्केटिंग। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग मार्केटिंग कंसेप्ट को पढ़ेंगे एज वेल एज हम लोग उसके फीचर्स को जानेंगे कि जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली मार्केटिंग किन किन चीजों को कवर करता है, उसका स्कोप क्या है, वाइडर है कि नैरो है। उसके अलावा हम लोग मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस को भी जानेंगे कि क्यों इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया है, हर एक कंपनी आज मार्केटिंग के ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा है, क्यों प्राइस, क्यों डिजाइनिंग, क्यों उसका एडवर्टाइजमेंट और क्यों उसका ट्रांसपोर्टेशन पे कंपनीज इतना ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्यों ये कंपनीज के लिए आज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बन चुका है, और मार्केटिंग एक कंपनी के लिए क्या क्या फंक्शंस करता है, कैसे मार्केटिंग एक कंपनी में एक एफिशिएंट और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और किन किन चीजों को मार्केटिंग कवर कर रहा है, हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चंस में ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो इसी चैप्टर में हम लोग और भी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मार्केटिंग रिसर्च। दैट इज हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केटिंग में हमें किन किन एंगल्स के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। उसके अलावा हम लोग MIS पे भी ध्यान देंगे, दैट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कैसे कंपनीज हर एक मार्केटिंग एक्टिविटीज को लोग इंफॉर्मेशन में कोडेड करके वो लोग अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए स्टोर कर रहे हैं और पूरा इन्फॉर्मेशन लोग कैसे सेव कर रहे हैं और इन सब को किस तरीके से लोग अलग अलग सिचुएशंस में जो फ्यूचर में आ सकता है उनके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, एज अ रेफरेंस के लिए सेव करके रख रहे हैं। डेटा माइनिंग के ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे मॉड्यूल 1 में। डेटा माइनिंग का मतलब होता है
रॉ इन्फॉर्मेशन को या रॉ डेटा को उसको कैसे हम लोग प्रोसेस करके हमारे लिए बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है कंपनी, इस चीज को डेटा माइनिंग में एक्सप्लेन किया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम लोग मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में ही स्टार्टिंग में हम लोग सीख लेंगे कि क्या क्या चीजें इनके ऊपर होगा करके। इसके अलावा हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर भी पढ़ने वाले हैं। वेल आई होप हम सब देखते हैं हमारा जो बिहेवियर है टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट हमेशा बदलता रहता है। कभी कोई ब्रांड हमें बहुत ज्यादा पसंद आता है बट ऐसा हो सकता है कि यूज करने के बाद हमारा बिहेवियर चेंज होता है। हमारा लाइक प्रेफरेंसेस एंड हमारा टेस्ट टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट कभी भी चेंज होता है। फैशन और अलग अलग जो भी फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे प्रोडक्ट का सेल्स डिपेंड होता है उसके एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर एग्जैक्टली क्या है और क्या क्या फैक्टर्स है एक कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है इन्फ्लुएंस होता है उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये मॉड्यूल एक और चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है वो है मार्केट सेगमेंटेशन, मतलब मार्केट को किस तरीके से हमें डिवाइड करना है। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है वो, तो वो सब फैक्टर्स हम लोग इस मार्केट सेगमेंटेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और मार्केट सेगमेंटेशन करने से क्या क्या बेनिफिट्स होगा, मार्केट को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या कंपनी को बेनिफिट होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैडबरी को देख लो, कैडबरी ने हर एक प्रोडक्ट को एक सेगमेंट वाइज उसने डिजाइन करना चालू किया है। जैसे कि कैडबरी चॉकलेट्स सिल्क अलग एक कैटेगरी के लिए है, ड्राई फ्रूट्स कलेक्शन अलग कैटेगरी के लिए है। तो जैसे जैसे उसने एक मार्केट को सेगमेंट किया, डिवाइड किया, उसी के हिसाब से उसने अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करना चालू किया एंड उसी को लोगों ने टारगेट करना चालू किया। तो ऑन व्हाट बेसिस हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को सेगमेंट करेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लास्टली अगर हम लोग देखा जाएगा तो मॉड्यूल वन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो हम लोग देख सकते हैं कि हर कंपनी आज उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस कर रहा है, वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो हम लोग देख सकते हैं हम लोग को कंटिन्यूस मेल्स आते हैं, कंटिन्यूस कोई ना कोई तरीके से मैसेजेस या कॉल्स आते रहते हैं कंपनी की तरफ से उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए या फिर कोई ना कोई तरीके से रिव्यू जानने के लिए, फीडबैक जानने के लिए उनके प्रोडक्ट जो उन्होंने जो हमें जो कंपनी ने हमें बेचा है। इससे होता क्या है, कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या हो रहा है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप होना स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कस्टमर हमेशा कंपनी के लिए क्या बन जाए, ब्रांड लॉयल बन जाए, वो उसी प्रोडक्ट की तरफ क्या देगा, ध्यान देगा। एक और टॉपिक जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे वो है मार्केट टारगेटिंग। कभी कभी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि कौन से मार्केट को हम लोग टारगेट करेंगे, इसीलिए हम लोग को पहले जानना पड़ता है मार्केट होता है, जैसे कि रूरल मार्केट अर्बन मार्केट। डेफिनेटली दोनों मार्केट अलग अलग है, दोनों का कॉम्पोजिशन अलग अलग है, तो दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज भी अलग अलग होगा, प्रोडक्ट्स भी अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं शैम्पू पैकेट्स आते हैं, शैम्पू का बड़ा बॉटल होता है वो बेसिकली अर्बन एरियाज को टारगेट करता है, अर्बन मार्केट्स के ऊपर, एंड जो सैशेज होता है वो रूरल मार्केट्स के ऊपर टारगेट होता है। सो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कौन से मार्केट की तरफ क्या होगा एक्चुअली टारगेट करना है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को डिजाइन करेंगे एंड सेल करना स्टार्ट करेंगे। So this was module number one, which was completely focusing upon introduction of marketing and its various elements. Now, moving ahead, our second module, that is marketing decision one. इसमें हम लोग धीरे धीरे जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ मार्केटिंग है हम लोग उसको क्या करेंगे मालूम है, एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जिसके ओवरऑल हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। एक्चुअली 7 पीस है बट इस फिलहाल हम लोग सिर्फ 4 पीस के ऊपर ही ध्यान देंगे जो मार्केटिंग मिक्स के अंदर कंसिडर किया जाता है, जो कि फर्स्ट है इसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट डिसीजन एरिया। वेल प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उसको उसमें फीचर्स ऐड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस जानना, उस हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना, डिजाइन करना बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं किया गया या प्रोडक्ट डिसीजन बराबर नहीं हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा मार्केट में प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, इस रीजन के वजह से कंपनी का एंटायर जितना भी उसने मेहनत किया है प्रोडक्ट को डिजाइन और उसको सेल करने के लिए वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट डिजाइन एरिया हम लोग इसके अंदर हम लोग को ज्यादा करके एलोबरेशन में देखने मिलेगा। दूसरा आता है हम लोग का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जो अगेन प्रोडक्ट जो फर्स्ट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स है दैट इज प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सबका एक लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल है, मार्केट में एंटर होता है एंड कैसे मार्केट में एग्जिट होता है अगर उसके ऊपर प्रॉपर हम लोग ने स्ट्रेटेजी को फ्रेम नहीं किया। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बेसिकली तुम्हें ये बताएगा
कि कैसे प्रोडक्ट एक मार्केट में अंदर आता है, कैसे वो सक्सेस की तरफ जाता है और कैसे वो धीरे धीरे मार्केट से एग्जिट होता है। आज हम देख सकते हैं सीआरटी टीवी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं बट उसे कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसका लाइफ साइकिल एंड हो चुका है। वैसे ही हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर लाइफ होता है, उस पर्टिकुलर लाइफ होने के बाद वो मार्केट से एग्जिट हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल को जानना ताकि उसे हमेशा अलाइव रखना मार्केट में, उस चीज के लिए हम लोग को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का ब्रांडिंग, जो अगेन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांडिंग? ब्रांडिंग इज लाइक गिविंग एनी कलर, एनी लोगो, एनी डिजाइन, एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क टू अ प्रोडक्ट। मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं कि उनके इतने सारे वेरिएंट्स है प्रोडक्ट के कि हमारा प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसे एक साइन देना पड़ेगा, कलर या लोगो या डिजाइन कुछ ना कुछ, या नाम देना पड़ेगा। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं ब्रांडिंग। जैसे कि लोगो से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू अ लोगो दैट कंपनी हैज डिजाइन फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट। तो लोगो एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वैसे ही ब्रांडिंग हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि मार्केट में जो इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है हमारा ब्रांड हम उसे आइडेंटिफाई करें। ब्रांड इक्विटी, कि हमारा ब्रांड का एक्चुअल वैल्यू कितना है मार्केट में। जैसे कि अगर मैं बात करेगा मारुति सुजुकी का, एक ऐसा कार मेकिंग ब्रांड है इंडिया का जिसका ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा है क्योंकि वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रांड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज मारुति सुजुकी। टाटा, इसका भी ब्रांड इक्विटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे हर एक ब्रांड का कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होता है मार्केट में और उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांड इक्विटी। इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है कि कैसे हम लोग मार्केट में ब्रांड इक्विटी को हम लोग एनहेंस करेगा। तो ये था हम लोग का एक्चुअल सेकेंड मॉड्यूल, जिसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग फ्लैश ऑफ में हम लोग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट उसमें और भी है पैकेजिंग एंड इट्स एसेंशियल। एक प्रोडक्ट को जितना अच्छे से हम लोग पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो शाइन होगा मार्केट में, उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को। कभी कभी हम लोग सिर्फ पैकेजिंग देख के हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दो उससे हम लोग को ज्यादा कुछ यूसेज नहीं है बट स्टिल हम लोग को कभी कभी सिर्फ पैकेज जो देखते हैं हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो क्या क्या पैकेजिंग में इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों इतना ये इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग को पैकेजिंग के ऊपर ध्यान देना है, ये सब हम लोग इस मॉड्यूल में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक और इसमें कंसेप्ट है प्रोडक्ट पोजिशनिंग, दैट इज हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कौन से पोजिशन पे है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। क्या हमारा प्रोडक्ट का प्रेफरेंस लेवल कौन सा है, क्या कस्टमर हमारा प्रोडक्ट को पहले प्रेफर कर रहे हैं कि सेकंड प्रेफर कर रहे हैं कि थर्ड प्रेफर कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग, कि मार्केट में कौन से रैंक पे हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली प्लेस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चॉकलेट्स के मामले में देखेंगे तो कैडबरी जो है वो प्रोडक्ट पोजिशनिंग के मामले में मार्केट में नंबर वन पे है क्योंकि अगर चॉकलेट्स का जब भी नाम आएगा हम लोग कैडबरी की तरफ ही हम लोग क्या करते हैं, हमारा ध्यान जाता है। दूसरा आता है सर्विस पोजिशनिंग, दैट इज इफ अगर हमारा कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या फिर प्रोडक्ट या फिर जो गुड्स हम लोग बेच रहे हैं उसके बाद हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस मामले में हम लोग किस तरीके के रैंक में हम लोग अपने आप को देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्विस पोजिशनिंग, कि हमारा जो सर्विसेज हमारे क्लाइंट्स के लिए जो है उसके ऊपर हमारा रैंक कैसा है, कस्टमर कैसे हमारा सर्विसेज को एक्सेप्ट कर रहा है और कितना सेटिस्फाइड है। इसी मॉड्यूल में हम लोग एक और पी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जिसका नाम है प्राइसिंग, दैट इज आफ्टर प्रोडक्ट द सेकंड इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स इज प्राइसिंग। वेल आई गेस सबको पता है कि क्यों प्राइस इतना इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है पूरे के पूरे सेलिंग प्रोसीजर में। प्राइस देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कभी कभी खरीदना है या नहीं, तो हम लोग को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा लेकिन अगर सपोज प्राइस ज्यादा हो गया और हमारे वो बजट में नहीं है तो फिर हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्राइसिंग डिसाइड, मतलब एक एक प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से प्राइसिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर प्राइसिंग विल हेल्प अस टू इंक्रीज द सेल्स इन द मार्केट। प्रॉपर प्राइसिंग नहीं हुआ तो फिर यू आर आउट ऑफ द मार्केट। इसी के लिए भी कुछ स्ट्रैटेजीज है अलग अलग, जैसे कि स्किमिंग स्ट्रैटेजीज, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जो और भी बहुत सारे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है जो मार्केट में अवेलेबल है। कंपनी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करेगा। जैसे कि स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, अगर हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे तो वो कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में तो प्राइस बहुत ज्यादा रखेंगे एंड देन धीरे धीरे एज द टाइम गोज हम लोग क्या करेंगे, प्राइसेस को धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेंगे। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो इसका कंप्लीटली अपोजिट है, जब हम लोग प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे मार्केट में हम लोग प्राइसेस एकदम कम रखेंगे एंड जैसे जैसे टाइम जाएगा हम लोग प्राइसेस क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे।
तो ये कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है जो मैंने अभी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन इस मॉड्यूल 2 में इसको हम लोग ने बहुत डिटेल में एलोबरेट किया है। ये था मॉड्यूल नंबर 2, दैट इज मार्केटिंग डिसीजन 1। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मॉड्यूल है हम लोग का मार्केटिंग डिसीजन 2, जो हमारा रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स के ऊपर ध्यान देता है। दैट इज प्रोडक्ट प्राइस हो गया। अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कैसे एक प्रोडक्ट को हम लोग को मार्केट पर पहुंचाना है। बीच में बहुत सारे चैनल्स आ जाते हैं जो हम लोग को हेल्प करते हैं प्रोडक्ट को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उन चैनल्स को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं होलसेलर, रिटेलर्स। वैसे ही हमारे पास एन नंबर ऑफ चैनल्स हैं जिसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही हमारा प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रॉपर नहीं रहा, ऐसा हो सकता है कि करेक्ट टाइम पे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। और अगर मार्केट में टाइमली अगर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहा, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट का हमारा जो डिमांड है वो धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होगा एंड कस्टमर जो है स्विच करेगा कोई और ब्रांड की तरफ। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर्स या प्रोसेस के थ्रू हमारा प्रोडक्ट टाइमली मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देने वाले हैं कि किन किन चैनल्स को हम लोग को ऐड करना है और किन किन चैनल्स को हम लोग को एलिमिनेट करना है। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं हम लोग, एक्वागार्ड। अगर तुम लोग ने इसका एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, हम लोग इसके ऊपर अगर ध्यान देंगे तो ये 2 वे में डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने प्रोडक्ट को। कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को भी सेल करता है और कभी कभी एक इंटरमीडिएटर, दैट इज एक चैनल को ऐड करता है, जैसे कि बिग बाजार हो गया, ई जोन हो गया, इनके थ्रू भी क्या करता है वो अपना एक्वागार्ड का प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने का कोशिश कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है उसको, या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसको हम लोग को संभालना और उसको हमको समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मूविंग अहेड, अगर हम लोग और भी देखेंगे, जो नेक्स्ट पी है, दैट इज मार्केटिंग मिक्स में जो आता है, वो है प्रमोशन। आज अगर हम लोग देखेंगे, हर चीज का प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है पूरे मार्केट में। प्रोडक्ट को जितने अलग अलग तरीके से हम लोग प्रमोट करेंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ा सकते हैं। आज कंपनीज हर एक तरीके का प्रमोशनल तरीका ढूंढ रहा है कि नए नए तरीका जिससे वो लोग प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हमेशा हाईलाइटेड रखना चाहते हैं मार्केट में। प्रमोशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे भी करके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर करें मार्केट में, लोगों को इन्फ्लुएंस करें प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, एंड हमेशा से सेल्स को हम लोग हमेशा हाई रखें। तो प्रमोशन में क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं, कभी कभी हमने देखा रहेगा डिस्काउंट ऑफर किया जाता है सेलर की तरफ से या फिर कोई और चैनल की तरफ से। तो ये सब क्यों होता है, ताकि जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ही कंपनी का फायदा भी होगा। तो ये था प्रमोशन मिक्स जो हम लोग देखेंगे मॉड्यूल नंबर 3 में। मूविंग अहेड, हम लोग का एक और कंसेप्ट है जो कि एक बहुत इनोवेटिव कंसेप्ट है, मैं बोल सकता हूँ मार्केटिंग फील्ड में, वो है IMC, दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग हर एक तरीके के मार्केटिंग टेक्निक्स और एक्टिविटीज को हम लोग मिक्स कर रहे हैं और हम लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग वो हर एक टूल, हर एक वो एलिमेंट को हम लोग यूज करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली सेल होने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो इसका हम लोग इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि कैसे IMC बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इस मार्केटिंग फील्ड में या फिर इस मार्केटिंग वर्ल्ड में। सेल्स मैनेजमेंट जो अगेन एक इम्पोर्टेंट टास्क हो गया है, हम देख सकते हैं कितने सारे सेल्स पर्सनल पूरे स्ट्रीट्स पर घूमते रहते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो इन्हें कैसे मैनेज किया जाए, इनसे कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स हम लोग करवाएं, इनको कैसे कंप्लीट तरीके से एफिशिएंट बनाएं, ये सब हम लोग सेल्स मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे। एंड ऑल्सो क्या क्या नया नया ट्रेंड्स है एक्चुअली आज सेलिंग के दुनिया में, हम लोग वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे न्यू टेक्निक्स एमर्ज हो रहे हैं। आज एक न्यू ट्रेंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं सेलिब्रिटीज या फिर मॉडल्स या फिर नॉर्मल सेल्स पर्सनल क्या कर रहे हैं, घर घर जाके प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एंड लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट क्या खरीदें और क्या करें, खरीदना स्टार्ट करें। इसके अलावा इसमें ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे पर्सनल सेलिंग के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा फोकस करें, एंड कैसे सेल्स पर्सन को हम लोग को ट्रेनिंग देना है, क्या क्या स्किल्स हम लोग को जरूरत है जब हम लोग पर्सनल सेलिंग पे हम लोग जाएंगे। हम लोग स्ट्रीट्स पे देख सकते हैं अलग अलग ब्रांड्स के सेलर्स मार्केट में बैठे रहते हैं जो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं सेल्स करने का। बट हम ऑब्जर्व ये भी कर सकते हैं कि कुछ सेल्स पर्सन सक्सेसफुली प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं।
तो इससे ये पता चलता है कि क्या क्या स्किल्स का जरूरत है प्रोडक्ट को सेल करने का मार्केट में, और क्या क्या स्किल्स बहुत ज्यादा ही इंकल्केट करना पड़ेगा अगर किसी एक सेल्स पर्सनल में नहीं है तो. ये था हम लोग का मॉड्यूल नंबर 3, दैट इज मार्केटिंग डिसीजंस 2. अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ मॉड्यूल पे, जिसका नाम है कि मार्केटिंग डायमेंशन. मतलब ये एक ऐसा डायमेंशन है जिसको अभी अभी हम लोग ने इवॉल्व किया है, जिसमें हम लोग कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड को और ज्यादा फेयर और जस्ट तरीके से हम लोग को करने के लिए हमने एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया कि क्या क्या एथिकल वे है मार्केटिंग करने का और क्या क्या अनएथिकल वे है मार्केटिंग करने का. अगर एक बिजनेस फर्म या एक एंटरप्राइज ये जान लिया कि व्हाट इज एथिकल मार्केटिंग एंड व्हाट इज अनएथिकल मार्केटिंग, इससे वो क्या कर सकता है, अपने कंपनी का ही ब्रांड का नेम और भी ज्यादा क्या कर सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है. कॉर्पोरेट इमेज जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा. इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे रूरल मार्केटिंग इंडिया के लिए एक इमर्जिंग कंसेप्ट बन गया है, क्योंकि जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि इंडिया का ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रिसाइड होता है, कंपनीज ने अपना पूरा ध्यान कहाँ पे फोकस या फिर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रूरल एरियाज पे. तो क्या क्या नया नया स्ट्रैटेजीज हम लोग ने इवॉल्व किया है रूरल मार्केट्स को टारगेट करने के लिए एंड रूरल मार्केट को कैप्चर करने के लिए. टेक्नोलॉजी बदल रहा है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आज कंपनीज अपना एडवर्टाइजमेंट एंड अपना कंपनी अपना मार्केटिंग एक्टिविटीज कंटिन्यू कर रहे हैं. तो वो क्या क्या ट्रेंड्स है जो हम लोग देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो आज कंपनीज यूज कर रहे हैं. ग्रीन मार्केटिंग जो एक अगेन न्यू कंसेप्ट है, जिसमें हम लोग अगेन इस चैप्टर में या इस मॉड्यूल में हम लोग देखने के लिए हम लोग ज्यादा ही हम लोग इंटरेस्टेड होंगे. नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड बाय मार्केटिंग मैनेजर्स इन 21st सेंचुरी. वेल, कॉम्पिटिशन ऐसा हो गया है कि हर एक मैनेजर अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा है. तो वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिससे वो ओवरकम करने के लिए वो क्या क्या स्ट्रैटेजीज बना रहा है, और इन चैलेंजेस को हमें पहले ही आइडेंटिफाई करके रखना है ताकि हम लोग इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहे एंड हम लोग इसको टैकल करने में सक्सेसफुल रहे. तो ये था हम लोग के 4 मॉड्यूल्स जो हम लोग इस सब्जेक्ट में देखने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग, then marketing decision 1 and marketing decisions 2 and last module hai key manager marketing decisions. Now let's see the question paper pattern that has been designed by the subject. Agar hum question paper pattern ke taraf agar hum log jayenge to pura question paper pattern ke hisab se jayenge to pura question paper mein 6 questions hai. इसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1A जो होगा फिल अप विद ऑप्शन, 12 क्वेश्चंस होंगे, सब क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई 10 अटेम्प्ट करना है जो 10 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन नंबर 1B होगा ट्रू और फॉल्स विदाउट रीजन, दैट मींस उनको सिर्फ आंसर करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. इसमें भी 12 ऑप्शंस होंगे बट तुम्हें अटेम्प्ट करना है कोई भी 10. ये भी 10 मार्क्स का है, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 1 जो है टोटल मिला के 20 मार्क्स का है. आउट ऑफ 100 20 मार्क्स का तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है. ये चारों मॉड्यूल का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब चारों मॉड्यूल से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग इसमें हम लोग देख के मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. कोई भी मॉड्यूल से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो हम लोग का आंसर द फॉलोइंग होगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन 3 सब क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 में ABC होगा, जिसमें से स्टूडेंट को कोई भी दो ऑप्शंस को सेलेक्ट करके उसे अटेम्प्ट करना है. ये होगा 15 मार्क्स का, दैट मींस ये तीनों क्वेश्चंस में से जो 2 अटेम्प्ट करेगा स्टूडेंट वो 7-8 पैटर्न में होगा. क्वेश्चन नंबर 3 जो मॉड्यूल 2 से आएगा, इसमें भी 3 सब क्वेश्चंस हैं A, B और C, जिसमें भी अगेन स्टूडेंट को कोई 2 अटेम्प्ट करना है. 7-8 पैटर्न में हम लोग का ये क्वेश्चंस डिवाइडेड है एंड ये होगा 15 मार्क्स का. ये भी क्वेश्चन नंबर 4 जो मॉड्यूल नंबर 3 से है, इसमें भी हम लोग का 3 सब क्वेश्चंस होगा, उसमें से कोई 2 अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट को, ये भी 15 मार्क्स का होगा. क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग का मॉड्यूल नंबर 4 से होगा, इसमें भी 3 सब क्वेश्चंस है और स्टूडेंट को कोई भी एनी 2 अटेम्प्ट करना है 7-8 पैटर्न के हिसाब से, ये भी टोटल मिला के 15 मार्क्स. एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग का शॉर्ट नोट्स होगा, इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस है लेकिन स्टूडेंट को कोई 4 अटेम्प्ट करना है. That is, और ये हर मॉड्यूल में से एक एक क्वेश्चन होगा. That is, चारों मॉड्यूल को हम लोग मिक्स करके इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे जो 20 मार्क्स का होगा. That means 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड 20 मार्क्स का हम लोग का शॉर्ट आंसर्स होगा.
बाकी तीन क्वेश्चन बाकी चार क्वेश्चन होंगे जो क्या होगा सिर्फ लॉन्ग आंसर में होगा, एक एक मॉड्यूल से बिलोंग करेगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, 100 मार्क्स 3 आवर्स बिग टास्क फॉर द स्टूडेंट, बट थ्रू आउट द सेमेस्टर वी विल नो द वेरियस टेक्निक्स एंड वेरियस टाइम मैनेजमेंट एलिमेंट्स दैट वी कैन यूज टू कंप्लीट द पेपर एंड टू स्कोर मोर। धीरे धीरे सुपर टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको कोपअप करेंगे। So let's start with chapter number 1, that is introduction to marketing. एक glimpse दे देते हैं कि marketing exactly क्या है और ये क्यों important है एक company के लिए। So marketing जो है इसके अंदर हम लोग क्या ये chapter में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, that is marketing एक as a concept and उसके features and उसके importance भी हम लोग ध्यान देंगे। Functions है marketing के, कैसे ये evolve हुआ है, कैसे इसमें strategies आए हैं, पहले ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज क्या क्या थे एंड जो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड के स्ट्रैटेजीज है उसमें क्या क्या हम लोग चेंजेस आए हैं वो देखेंगे। मार्केटिंग रिसर्च इट्स फीचर्स, MIS एंड इट्स कंपोनेंट्स, डेटा माइनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड कंज्यूमर बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये कुछ हम लोग कंटेंट्स हैं जो हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग विद मार्केटिंग जो उसका सबसे पहला एक कंसेप्ट है हम लोग आज सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान देंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मार्केटिंग इज। मार्केटिंग एक बहुत की रोल प्ले करता है हर एक एंटरप्राइज के लिए, ये एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है कंपनी में क्योंकि ये डिमांड क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है कंपनी को और एज वेल एज कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए भी हेल्प कर रहा है। वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट को मूव करने में हेल्प कर रहा है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, उसी उन सारे एक्टिविटीज को हम लोग मार्केटिंग के अंदर में हम लोग कंबाइन करते हैं। आज बिना मार्केटिंग के हर एक एंटरप्राइज इनकम्प्लीट है, आज भले वो कॉटेज इंडस्ट्री हो या वो MSMEs हो या वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, मार्केटिंग आज सबसे एक इम्पॉर्टेंट फील्ड बन चुका है जहाँ पे हर एक टाइप का बिजनेस क्या कर रहा है ध्यान दे रहा है। अगर हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में, बिना मार्केटिंग का सेल्स जीरो होगा, तो मार्केटिंग हमारा सेल्स इंप्रूव करने के लिए हेल्प कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट्स देखें और अगर हम लोग डिफरेंट तरीके के प्रमोशनल एक्टिविटीज को देखें जो हम लोग कंपनीज क्या कर रहे हैं यूज करते हुए हम लोग देख सकते हैं। तो ये था मार्केटिंग, और भी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंकिंग यू, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।